काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने एक और ट्वीट किया है। ट्वीट पर भी बवाल मच गया है। लीना ने भगवान शिव और पार्वती का रोल करने वाले कलाकारों की तस्वीरें ट्वीट की और ये दोनों ही कलाकार स्मोकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। लीना ने इस तस्वीर पर लिखा है एल्सवेयर यानी कहीं और। लीना के इस ट्वीट पर कई तीखी टिप्पणियां आई हैं। अभी मां काली के पोस्टर को लेकर के जो विवाद था वो थमा भी नहीं था कि एक और ट्वीट के जरिए लीना ने एक और हंगामा बरपा कर दिया है। अब इसका इरादा तो आप ये कह सकते हैं कि ये सस्ती लोकप्रियता है। अपनी डॉक्यूमेंट्री पर वो और ज़्यादा चर्चा चाह रही हैं, लोगों के बीच में और शायद पॉपुलर होने का। वो अगर बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। शायद ये इरादा लीना मणिमेकलई का हो सकता है। लेकिन बार बार एक धर्म की भावनाओं को आहत करना, ये कहाँ तक जायज़ है? पहले माँ काली के एक विवादित पोस्टर के जरिए पहले ही इतना हंगामा मचा चुकी हैं और अब एक और ट्वीट। लीना की काली फिल्म के पोस्टर पर मचा बवाल अभी शांत नहीं हुआ है। विवादित पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया। उनके एक हाथ में एलजीबीटी समुदाय का झंडा भी है। इस पोस्टर ने हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया। केस भी दर्ज हुआ लेकिन फिर भी लीना रुकी नहीं। लीना ने अब शंकर और पार्वती के गेटअप में किरदारों को स्मोक करते हुए दिखाया। तस्वीरें आप देखिए, हिंदू फोबिक लीना आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हो गई हैं कि एक पोस्टर पर इतने विवाद के बाद, इतने लोगों की भावनाओं को आहत करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला है। उन्हें चैन नहीं मिला और इसलिए उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया और इस बार उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती का अपमान किया। दो कलाकार नजर आते हैं वेशभूषा में और उस वेशभूषा में स्मोकिंग करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लीना आखिर चाहती क्या है? क्या वो इन पोस्टर के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए शायद मीनाक्षी थोड़ा जस्टिफाई करने की भी एक कोशिश वो ये कर रही कि इस तरह से दो जो उन्होंने जो शेयर की फोटो उसमें एल्सवेयर लिखा है यानी कहीं और, कुछ लोग सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं जो उस गेटअप में है, इसके जरिए शायद वो जस्टिफाई करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन सस्ती और घटिया लोकप्रियता हासिल करने की भी ये कोशिश जरूर है क्योंकि जो फिल्म है उनकी काली, उसमें जिस गेटअप में उन्होंने माँ काली को दिखाया उसे लेकर के पहले ही इतना हंगामा बरपा था, उसके बाद इस तरह के जस्टिफिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। और बार बार ये क्रिएटिविटी की आज़ादी की बात कही जाती है, इसमें कई लोगों का मानना यह है कि क्रिएटिविटी के नाम पर भी कुछ दिखाई नहीं देता है। बहरहाल विवादित ट्वीट के बाद फिल्म मेकर लीना ने एक और ट्वीट किया और इस ट्वीट में लीना ने एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ऐसा लगता है कि पूरा देश जो अब सबसे बड़े लोकतंत्र से सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। तो ये एक ट्वीट किया लीना ने। विवाद के बीच लीना ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पूरा देश मुझे सेंसर करना चाहता है। विवाद के बीच लीना ने एक ट्वीट करके अपनी बात लिखी और अपनी पूरा देश मुझे सेंसर करना चाहता है। जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो अब नफरत की मशीन बनता जा रहा, वो ये लिख रही हैं और मुझे सेंसर करना चाहता और अब मैं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ, ये बात भी उन्होंने लिखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और कई लोगों का ये मानना है कि इस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करके लीना एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वो वैसे भी भारत में है नहीं और वो फिर ये कह रही हैं कि भारत एक हेट मशीन बन गया है। आप खुद भारत में रह नहीं रही हैं, भारत के बाहर रहती हैं, भारत के बाहर बैठकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हैं, भारत के बाहर से ही उसे भारत में भेजने की कोशिश करती हैं और फिर आप ये कहती हैं कि आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन और आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। भारत एक हेट मशीन बन गया है। आप जब भारत में रह नहीं रही हैं तो आप ये कैसे दावे के साथ कह सकती हैं कि भारत हेट मशीन बन गया है, जबकि इतने वाहियात, इतने घटिया पोस्टर के बाद भी केवल कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभी केवल कानूनी कार्रवाई का रास्ता ही अख्तियार किया जा रहा है। इधर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी बयान दिया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।